राधे राधे कुंज बिहारी दोस्तों। तो सुबह की इस मॉर्निंग की सुबह हो चुकी है 8 बजे। लाला को मैं जगा रही हूँ, बहुत ही प्यार से जगाती हूँ इनको स्नान कराने के लिए। सो लाला यहाँ पे मस्त होकर सो रहे हैं क्योंकि बरसात लगी हुई है। जन्माष्टमी से ही बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, तो लाला भी ठंड में काफ़ी अच्छे से नींद उनको आ रही है। तो लाला को जगाऊंगी, स्नान कराऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी। तो आज है 10 सितंबर और आज है एकादशी, लाला की छठी। और तो लाला को हम फटाफट से रेडी करेंगे और उनको स्नान कराएंगे। तो लाला रेडी हो गए हैं और अपनी जगह पर बैठ गए हैं। दोनों लालों को मैंने बिठा दिया है और यहाँ पे मैंने उनको रेडी किया है। ये भी ड्रेस मैंने खुद से बनाई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना पगड़ी नहीं बन पाई है, तो मैंने दूसरी पगड़ी पहना दी क्योंकि बहुत सारी पगड़ियाँ बनी थी तो इस ड्रेस की पगड़ी मिस हो गई, मुझसे रह गई थी बनानी। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स एंड मिल्क का भोग लगाया है। और दोपहर के 12:30 बजे मैंने बनाया था आलू का भरता, अचारी, भिंडी, रायता एंड पूड़ी का भोग लगाया था एकादशी को लाला को, क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था लाला के लिए स्पेशल। और दोपहर हो चुकी है, लाला हमारे खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे और हम लोग भी रेस्ट करेंगे। तो ये प्यारी सी तुलसी जी हमारी रेडी हो चुकी है, लास्ट मोमेंट पे रेडी हुई करी थी मैंने। और ये रात को हमारी बनी थी आलू की कचौड़ी, पूड़ी, मोतीचूर का लड्डू एंड छोले की सब्जी एंड रायता। ये हमारा रात्रि का भोजन है लाला के लिए। लाला का सब कुछ फेवरेट फेवरेट बनाया है इस टाइम पे हम लोगों ने। जो सबसे बेस्ट हमें लगा कि हमें क्या बनाना चाहिए वो हमने बना दिया भोजन में। आई होप लाला को हमारे हाथ का घर का खाना पसंद आया होगा। सो अभी रात हो चुकी है, रात के 7:30 बजे हम लोगों ने भोग लगा दिया था लाला को। एंड बारिश कंटिन्यू हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। जन्माष्टमी की शाम से ही बारिश लगी हुई है और अभी 10 तारीख तक कंटिन्यू बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। सो लाला का सोने का टाइम हो गया है, मैं 9 बजे लाला को सुला देती। तो लाला के सारे जो भी ज्वेलरी, श्रृंगार एंड कपड़े हैं वो उनको सबको मैं निकाल दूंगी। बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ों में ही मैं उनको सुलाती हूँ। एक्चुअली उनके नाइट सूट मार्केट में मुझे मिले नहीं थे साइज़ के अकॉर्डिंग, सो मैं खुद से ही स्टिच करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए बिस्तर मैंने लगा दिया है। सोफ़ा कम बेड है ये हमारा लाला का। सो लाला, दोनों लाला इसी पर सो जाते हैं एक साथ ही। सो इनको हम सुला देंगे। सारा ज्वेलरी श्रृंगार मैंने निकाल दिया है, लाला को यहाँ पर बिठा लेंगे। दोनों लाला को बिठा दूंगे, दोनों लाला आराम से सो जाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसको खोल भी सकते हैं। ये सोफा कम बेड है तो अभी सोफे पे ही दोनों आ जाते हैं। कभी कभी मैं इनको खोल भी देती हूँ और बड़ा बना देती हूँ तो वो दोनों उस पर भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे लाला हमारे सोने वाले हैं, गुड नाइट कर रहे हैं लाला सबको। सो यहाँ पे निन्ने टाइम हो गया है, अब लाला को हम लोग सुला देंगे। लाला को अच्छे से लोरी गा के मैं सुला देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी सुला देते हैं और मैं भी सुला देती हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे ही सुलाना है, मेरे हस्बैंड भी सुला देते हैं। अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ किचन में तो मेरे हस्बैंड भी सुला देते हैं। फिलहाल मैं अभी आज मैं ही सुला रही हूँ लाला को। तो यहाँ पे मैं थपकी दे रही हूँ, लोरी सुला रही हूँ, लोरी गा रही हूँ। सो लाला कोई भी भजन सुना देती है, कोई भी गाना सुना देती है तो लाला मस्त सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों को चादर उड़ा दूंगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अगर मौसम ठंडा भी नहीं होता तो रूम में एसी चलती है, तब भी हम उनको चादर या ब्लैंकेट उड़ा देते हैं जिससे उनको ठंड ना लगे। तो दोनों को अच्छे से कवर कर दूंगी, दोनों की अलग अलग चादर है क्योंकि बड़ी चादर में अभी सब कुछ स्टिच करूँगी, टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। सो सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी, बस थोड़े समय की कमी है। सो यहाँ पे राधा लाला जी को हम लोग गुड नाइट बोलते हैं और रात भी हो चुकी है तो लाला आराम से सो रहे हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरा व्लॉग।